सर्वे होना है। अच्छा, आप लोगों ने वजू खाने के की तो मांग की नहीं थी, क्योंकि उससे पहले खाना का मामला अलग है, उसको छोड़ के ये परिसर की सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील्ड किया गया है, तो वो एक अलग। अच्छा, एक सवाल ये है कि इसमें 4 तारीख को जो डेट है वो क्या, उसमें क्या करना, डेट होगा 4 को प्रोसीडिंग कोर्ट के आगे की बढ़ेगी, शुरुआत होगी। अब उसमें एसआई को नोटिस जाएगा, सारे लोग आएंगे। एसआई उससे पहले अपना सर्वे करेगा या नहीं? उसके पहले अभी का तो नोटिस जाएगी एसआई को। अब ये 4 तारीख को जो डेट है, इसमें प्रोसीजिंग जो कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, इस ऑर्डर को कैसे फॉलो किया जाए, ये उस पर जो है 4 तारीख को तय हो कि आगे सर्वे कब हो, आगे क्या करना है। उस बीच में अभी तो नोटिस जाएगा, अभी तमाम प्रक्रिया है, लेकिन कुल मिला के ये फैसला हमारे पक्ष में आ गया, इसलिए हम बधाई के पात्र, आप सभी लोग बधाई के पात्र। देखिए, आपको बता दें कि देखिए स्पष्ट हो गया है कि 4 तारीख को जो है कोर्ट में जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी, एसआई को जो है नोटिस दिया जाएगा एसआई की तरफ से। कोई तो 6 महीने में पूरा हो सकता है सर्वे, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। और ये बड़ा दिन है, आज बड़ा ऑर्डर दिया है यहाँ पर, निर्देश दिए हैं यहाँ पर जो जिला कोर्ट है, जिला जज जिन्होंने अपना फैसला सुनाया है, उस फैसले में कहा गया है जो वजूखाना है उसको छोड़कर जो बाकी परिसर है वहां पर सर्वे किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, जरा ये बताइए कि 4 तारीख का जो वक्त दिया गया है, वो 4 तारीख को जब सुनवाई होगी तो उसमें क्या कुछ होगा, एएसआई को क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, जो 4 अगस्त को जो फैसला है कोर्ट, उस दिन एएसआई को टीम को बुलाएगी और पूछेगी कि आखिर एएसआई कब वहां पे जांच की जाएगी। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील हैं। जो 4 अगस्त का टाइम दिया गया, उस दिन एएसआई का क्या कार्य करना होगा, कोर्ट क्या उसको फैसला सुनाएगी? देखिए, ऐसा है कि एएसआई को तो पहले ये बताना होगा ना कि वो कैसे टेस्ट करेंगे, वो आके डिटेल यहाँ देंगे, उस हिसाब से वो अपना टेस्ट को शुरू करेंगे, सर्वे को शुरू करेंगे। लेकिन ऑर्डर में क्या दिया गया, क्या एएसआई को किस तरीके से काम करना होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा था कि तोड़ना नहीं है किसी तरीके का, इसलिए उसको लेकर विरोध। देखिए, स्पष्ट ऑर्डर तो हम आपको ऑर्डर आने के, अभी चूंकि ऑर्डर की कॉपी हमारे सामने नहीं आई है, तो स्पष्ट ऑर्डर तो ऑर्डर आने के बाद बता पाएंगे, लेकिन आपको ये जान लीजिए मोटा मोटी तौर पर कि एएसआई को सर्वे करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेशित कर दिया है, 4-8 की अगली डेट रखी है, 4-8 तक एएसआई आवे और बतावे कि उसको कैसे टेस्ट करना है, और उसके बाद फर्दर फिर वो अपना टेस्ट का टाइमिंग लेकर टेस्ट करेगी। 4 तारीख को जो एएसआई को लेकर के जो कब ये टेस्ट करना है, तो क्या लगता है वो कब वो दिन आएगा? मंदिर को नहीं तोड़कर मस्जिद बनाया, खुली जमीन पर मस्जिद बनाया है और वह मंदिरों को बनाया है, बल्कि मंदिर को तोड़ा नहीं है, तारीख का तर्क है। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए वैज्ञानिकों को उन्होंने 4 तारीख को रिपोर्ट का तरफ कर 4 तारीख को रिपोर्ट जो है जो कंफ्यूजन उसको क्लियर, 4 तारीख को आएंगे क्या रिपोर्ट? 4 तारीख को वैज्ञानिक, 4 तारीख के पूर्व वैज्ञानिक हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष से बात करके और एक टीम गठित करके न्यायालय में रिपोर्ट देंगे कि मैं, यह रिपोर्ट में पुराने पुराने लोग प्रारंभ स्थिति में जाएंगे और इन बिंदुओं को मुझे करना है, ऐसे से मैं करूंगा, तो 4 तारीख को न्यायालय में दे देंगे। अब कौन कौन, अच्छा इसमें क्या वही जैसे पिछली बार सर्वे हुआ था वैसे ही सर्वे होगा? कौन नहीं, पिछली बार वाला सर्वे जो था वो साधारण सर्वे था, इस बार वाला वैज्ञानिक विधि सर्वे है। वैज्ञानिक विधि की टीम अलग रहेगी, हमारे वादियों का अधिवक्ताओं का टीम रहेगा, जो पहले से हम लोग थे वो हम लोग देखेंगे, वहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगा, उसकी टीम रहेगी, एक समय निर्धारित होगा, उस समय पर न्यायालय फिर अपने आदेश करेंगे। और आपने जो कहा कि किन किन बिंदुओं पर, तो न्यायालय ने करीब 12-14 बिंदुओं पर उनको आदेश स्पष्ट दिया है कि इन जगहों पर आपको जीपीआर लगा करके अपनी रिपोर्ट देनी है। उसमें तहखाना भी है जहाँ मलबा पड़ा है, तहखाना भी है, गुंबज के नीचे की भाग है, मंदिर के पिछली भाग है, 12-14 पॉइंटों पर उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है। देखिए, आपको बता दें कि जरीर जी हैं और इस पूरे मामले में वकील हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि करीब 12-14 पॉइंट हैं जिन पर एएसआई को सर्वे करना है। तो लगातार जो है आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर आप एक तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम जो तो विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी वकील जो है उनसे बातचीत करते हुए, और यहाँ पर अब 4 तारीख का यहाँ पर समय दिया गया है और एएसआई की जो टीम है वो बताए, एएसआई डिपार्टमेंट बताए कि आखिर कितने दिन में ये जांच होगी, कितने दिन में ये सर्वे पूरा होगा, कितने लोग इसमें लगेंगे। जो वजू खाना है और जो सील एरिया है उस एरिए को छोड़कर पूरे परिसर का यहाँ पर सर्वे होगा। फैसला अपने पक्ष में आया है, नोट फैसला अपने पक्ष में आया, हमारे प्रार्थना पत्र को माननीय जिला न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। सर, कितना वक्त लगेगा, क्योंकि प्रारूप को लेकर एक बड़ा सवाल है, ये प्रारूप क्या होगा इस सर्वे का?
प्रारूप सर्वे तय एसआई पूरी कमेटी जो टीम आएगी वो तय करेगा कि सर्वे कैसे करेंगे, वो कोर्ट में अपने जो है वो देंगे अपने जो है गाइडलाइन कि हम किस तरह जो है कितना वक्त मानकर चले। अब मान के चलिए अब नोटिस जाएगा, उनके जो है अधिकारी जो है पूरी टीम आएगी हाजिर होगी कोर्ट में और कोर्ट फिर वो कोर्ट में अपना जो है देंगे कि जो है हम किस तरह जो है ये जाँच करेंगे। सारे बिंदु जितने बिंदु हमने दिए थे एक एक बिंदु को उन्होंने स्वीकार किया है और ये बधाई जो है मैं पूरे देश या हिंदू समाज को देता हूँ। आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा शुभ दिन है और हमारे इस पूरे मुकदमे में ये टर्निंग पॉइंट है। तो देखिए टर्निंग पॉइंट है ये बात कही जा रही है और ये बड़ी खबर देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर एक झटका जरूर लगा है क्योंकि यहाँ पर सर्वे की इजाजत दे दी गई है और आदेश जारी कर दिया गया है जिला कोर्ट की तरफ से, सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। हिंदू पक्ष की बड़ी जीत इसको माना जा रहा है। 6 महीने में पूरा होगा सर्वे का काम ऐसा कहा जा रहा है। ज्ञानवापी परिसर की कार्बन जजिंग होगी और ASI सर्वे कराया जाएगा। हर हर महादेव जो है आपको हर तरफ सुनाई देगा यहाँ पर क्योंकि हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार जो है सीधे तौर पर तो सीधे तौर पर सुभाष जी हैं एक बार फिर से इंतजार करते हैं। सुभाष जी ये जो पूरा सर्वे है जो एक जो मेन बात है तहखाने को लेकर उसको लेकर क्या कुछ कर तहखाने की भी भाई GPR जो जांच होगी पूरा जो सर्वे होगा तहखाने से लेके उस गुंबज के नीचे से लेके गुंबज के ऊपर तक लेके दीवालों का पश्चिमी द्वार जो बल्बों से भरा पड़ा है, पूर्वी द्वार जो है सारे उस बैरिकेटिंग एरिया को सील्ड एरिया जो वजू खाने को छोड़ के सारे एरिया का जो है जांच होगा। जांच कमेटी में कौन कौन होगा ये जो अब जांच कमेटी तो भाई वो तय टीम करेगी, SI अपनी टीम तय करेगी ना कि उसमें कौन उनके टीम में कौन कौन सदस्य होगा वो हमको। सुधीर जी भी सुधीर जी से और था समझ लेते हैं। सुधीर जी क्या कुछ कोर्ट में दलीलें दी गई थी 12 तारीख को और 14 तारीख को जो है बहस हुई थी? देखिए जो हम लोग प्रार्थना पत्र दिए थे कि वजू खाने में जो सील एरिया है जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील किया गया है उसको छोड़ करके बाकी ब्रैकेटिंग एरिया के जो है उसका सर्वे करा दिया जाए GPR द्वारा वैज्ञानिक विधि द्वारा। विपक्ष ने अपनी प्रार्थना पत्र अंजुमन इंतजामिया ने इतना अपनी आपत्ति में सब कुछ कहते हुए अभी कह दिया कि औरंगजेब ने खुली भूमि पर मस्जिद बनाया है, मंदिर को नहीं तोड़ा है। दूसरी बात उन्होंने कह दिया कि औरंगजेब बहुत अच्छे शासक थे, सुशासक थे, उन्होंने कोई मंदिर को नहीं तोड़ा बल्कि मंदिर को निर्माण किया है। और उन्होंने और तर्क दिया कि हमारा आलमगीर मस्जिद गिर सकती है जबकि उन्होंने यह प्रार्थना पत्र का हमने अपने प्रार्थना पत्र पहले ही कह चुका था कि बिना क्षति पहुँचाए इसका जाँच करा दी जाए। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आज फैसला में कह दिया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वैज्ञानिकों को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि इन बिंदुओं पर आपको रिपोर्ट लानी है और जिसमें विशेष करके उन्होंने गुंबज के नीचे वाले भाग को जहाँ पर आवाज़ आती है धबधब की पश्चिमी मंदिर के पश्चिमी दीवार को यानी प्रार्थना पत्र में जो उल्लिखित थे उनका 18-12 बिंदुओं पर न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया कि इसकी आप रिपोर्ट सौंपें न्यायालय में और 4 अगस्त को आप यह रिपोर्ट सौंपें कि कब जाएंगे कैसे जाएंगे टीम में कौन कौन होंगे। अच्छा 18 सितंबर 1991 का जो पूजा करने का जो पूरा है उसको लेकर भी कोर्ट में इंतजाम कमेटी ने एक दलील दी थी। 1991 वाला तो ध्वस्त हो गया था 7/11 के प्रार्थना पत्र के समय ही, उसका कोई मत नहीं रह गया। उन्होंने 2-3 दलीलें दी थी, उन्होंने पहले तो औरंगजेब के बारे में कहा था, दूसरी दलील दी थी कि एक मुकदमा 610 सन है उसके बारे में उन्होंने कहा था कि उस पर स्टे है, इस पर संभव नहीं है जबकि उसके स्टे के बाद ही साधारण कमीशन हुआ था और हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। जब यहाँ पर सिविल जज वाला आदेश हुआ उसके बाद अंजुमन इंतजामिया हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने उनकी अपील को रिवीजन खारिज कर दिया था और सर्वे के लिए आदेश दिया था। तो उनका तथ्यहीन दलील था, उन्होंने कहा साक्ष्य के लिए कोई रिपोर्ट नहीं मंगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के और सारे रूलिंग एक्ट दिए गए जिसके तहत उन्होंने दीदी एक साधारण भाषा में अगर दर्शक समझना चाहें तो किस गेट से जो है किस गेट तक का पूरा सर्वे होगा साधारण भाषा में? साधारण भाषा में एकदम भोजपुरी भाषा में जवन एरिया सील हो लोहा से जहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगल हुआ जहाँ नमाज पढ़ा था पूरी एरिया का वैज्ञानिक विधि से जाँच हो। तो देखिए सुधीर जी हैं इस पूरे मामले में वकील हैं लगातार जो है जो महिला पक्ष हैं उनके वकील हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में ASI जो है उसको जो है ये नोटिस दी गई है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त हम जिला कोर्ट के बाहर ठीक मौजूद हैं और लगातार एक एक चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले में जो पूरे दलीलें हैं वो दीपक तो ये माना जाए कि आप लोग भी सर्वे का हिस्सा रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल चला जाएगा बाबा विश्वनाथ का जो है नाम लेकर के, बाबा आदि विश्वेश्वर का नाम लेकर के सर्वे होगा, सर्वे सफल होगा जो है ऐसी हमें पूरी उम्मीद है।
यही एएसआई का सर्वे था, जिसके बाद अयोध्या में जो है भारी मात्रा में हिंदू धर्म के जो एविडेंस मिले, जिसके बाद मुकदमे का रूप बदला जो है, और वो मुकदमा जो है आज आपके सामने है। वहाँ अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण जो है हो रहा है, और वही सेम चीज़ जो है एएसआई, वही संस्था एएसआई है, वही एएसआई जो है काशी में भी जाँच करेगी। और यहाँ भी हमें पूरी उम्मीद है कि जो पश्चिम की दीवार है, चाहे वो पिलर हो, चाहे वो खंभे हो।